हेलो एवरी वन एंड वेलकम टू माई चैनल ईजी इंग्लिश लिटरेचर आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी विट थॉमस किड की सो लेट्स गेट स्टार्टड थॉमस किड वॉज एनरोल्ड इन मर्चेंट टेलर स्कूल अब यहाँ पे थॉमस किड की स्कूल मैंने इसलिए मैंशन करी है क्योंकि हमें पता है कि यूनिवर्सिटी विथ्स या तो ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बट थॉमस विट ही एक पर्सन थे जो इन दोनों ही यूनिवर्सिटी से बिलोंग नहीं करते थे इसलिए यहाँ पे इनकी स्कूल इंपॉर्टेंट है इनके साथ इनके फेलो स्टूडेंट्स थे एडमिन स्पेंसर एंड थॉमस लॉज डैट मीन्स एडमिन स्पेंसर थॉमस लॉज एंड थॉमस किड तीनों ही एक ही स्कूल से बिलोंग करते हैं मर्चेंट टेलर स्कूल थॉमस हेवर्ड ने थॉमस किड के लिए कहा फेमस किड एंड फ्रांसिस मेरस ने प्लेस्ड हिम अमंग आ बेस्ट फॉर ट्राजडी तो ये दोनों ही कोट जो थॉमस किड के लिए कहे गए ये हमें ध्यान रखने हैं फेमस किड बाय थॉमस हेवुड एंड आ बेस्ट फॉर ट्रेजडी बाय फ्रांसिस मेरस अब आ जाते हैं इनके वर्क्स पे तो इनका एक वर्क है रॉबर्ट गार्नियस कॉर्नीलिया ये वर्क इम्पोर्टेंट नहीं है बस आप नाम ध्यान रखिए कि ये थॉमस किड का वर्क है और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है थॉमस किड का वो है द स्पेनिश ट्रेजडी द स्पेनिश ट्रेजडी का एक नाम और भी है हीरोनिमो इज मैड अगैन तो ये दोनों ही नाम स्पेनिश ट्रेजडी के हैं आपको ये ध्यान रखने हैं और स्पेनिश ट्रेजडी का जो फुल टाइटल है वो है स्पेनिश ट्रेजडीज़ कंटेनिंग द लेमेंटेबल एंड ऑफ डॉन हो रेशियो एंड बेल एम्पीरिया विद द पिटिफुल डेथ ऑफ ओल्ड हीरोनिमो तो स्पेनिश ट्रेजडी का आपको दूसरा नाम भी ध्यान रखना है और फुल टाइटल भी ध्यान रखना है इसके अलावा हमें यह ध्यान रखना है कि स्पेनिश ट्रेजिडी जो है स्टेज हुई थी एट द रोज थिएटर फॉर फिलिप हैंसलोए एच ई एन एस एल ए डब्ल्यू ई और ये स्वॉन थिएटर में भी स्टेज की गई थी बाय द रॉयल शेक्सपियर कंपनी तो उस टाइम पे जो ग्रुप ऑफ एक्टर्स हैं वो अपनी एक कंपनी बनाते थे उसको एक नाम देते थे और वो सब ही उस प्ले में एक्ट करते थे तो ये जो स्पेनिश ट्रेजडी है ये स्वान थिएटर में द रॉयल शेक्सपियर कंपनी ने एक्ट करी तो हमें ध्यान रखना है कि स्पेनिश ट्रैजडी दो थिएटर्स में परफॉर्म की गई रोज़ थिएटर में एंड स्वॉन थिएटर में इसके अलावा स्पेनिश ट्रेजडी को आप डिटेल में स्टडी नहीं करें तो चलेगा बट देन आपको उसका बेसिक जो आइडिया है उसकी जो स्टोरी लाइन है वो आपको ध्यान रखनी है अब हम बात करते हैं टी एस एलियट कोटेड द टाइटल इन हिज पोएम द वेस्टलैंड ऑल्सो अपियर इन औरहैन पेम्युक्स नावल स्नो तो ये जो टाइटल है स्पेनिश ट्रेजडी ये टी एस एलियट ने भी कोट किया अपने वर्क द वेस्टलैंड में एंड औरहैन पेमुक्स ने भी कोट किया अपने नावल स्नो में तो ये दोनों ही आपको ध्यान रखना है कि द वेस्टलैंड और स्नो इन दोनों ही वर्क्स में ये टाइटल जो है वो कोट किया गया है स्पेनिश ट्रैजडी जो है वो रिवेंज ट्रैजडी है दैट मीन्स एक दूसरे से बदला लेते हुए जो ट्रैजडी आती है उसे हम कहते हैं रिवेंज ट्रैजडी तो स्पेनिश ट्रेजडी जो है वो रिवेंज ट्रैजडी है इट वॉज फर्स्ट इन विच प्ले विद इन प्ले अपियर्ड तो स्पेनिश ट्रेजडी जो है वो पहली ऐसी वर्क था जिसमें प्ले विद इन प्ले वाला लिटरेरी डिवाइस आया प्ले विद इन प्ले मतलब एक स्टोरी के अंदर ही कोई दूसरी स्टोरी आती है यानी एक स्टोरी चल रही है और उस स्टोरी का कोई कैरेक्टर एक नई स्टोरी सुनाने लगे तो यानी एक प्ले के अंदर ही दूसरा प्ले है तो इसे कहते हैं प्ले विद इन प्ले और ये फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया द स्पैनिश ट्रेजिडी में बेन जॉनसन मैंशनड हीरो नेमो इन सिंथियाज रिवेल तो बेन जॉनसन का वर्क है सिंथियाज रिवेल इसमें इन्होंने ये जो कैरेक्टर है हीरो नीमो इसको मेंशन किया है ये ध्यान रखना है कि द वेस्टलैंड और स्नो में द स्पैनिश ट्रेजडी का टाइटल कोट हुआ है और जो कैरेक्टर है हीरो नीमो ये सिंथियाज रिवेल में यूज़ हुआ है ये भी माना जाता है कि बेन जॉनसन ने ही हीरो नीमो का कैरेक्टर प्ले किया था जब स्पैनिश ट्रेजडी को स्टेज किया जा रहा था बेन जॉनसन इज़ बिलीव टू हैव एक्टेड एज हीरो नीमो इन स्पेनिश ट्रेजडी यानी स्पेनिश ट्रेजडी को जब स्टेज कर रहे थे जब प्ले कर रहे थे उस टाइम पे ऐसा माना जाता है कि हीरो नीमो ने हीरो नीमो का जो कैरेक्टर है वो बेन जॉनसन ने ही निभाया था तो थॉमस किड के बारे में बेसिकली हमें उनका स्कूल ध्यान रखना है उनके फेलो स्टूडेंट्स ध्यान रखने हैं उनको जो कोर्ट्स दिए गए जैसे फेमस किड या आप बेस्ट फॉर ट्रेजडी ये ध्यान रखना है स्पेनिश ट्रेजडी इंपॉर्टेंट वर्क है इसका आप स्टोरी लाइन ध्यान रखिए प्लस उसका फुल टाइटल क्या है उसका ऑल्टरनेट टाइटल क्या है कौन कौन से थिएटर्स में इन्हें स्टेज किया गया ये फर्स्ट है जहाँ पे प्ले विद इन प्ले का लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ वेस्टलैंड और स्नो में इसे कोट किया गया हिरोनिमो का कैरेक्टर सिंथियाज रिवेल में कोट किया गया और ये एक रिवेंज ट्रेजिडी है सो दैट्स इट फॉर थॉमस किड यूनिवर्सिटी विट्स के बाकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं टिल देन ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग बाय बाय